बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। इस वीडियो में बेटा मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 2 टॉपिक जो है, यानी कि चैप्टर का जो नाम है वो कॉनिक सेक्शन है। और इस चैप्टर पर इससे पहले मैं एक वीडियो जो है वो बना चुका हूँ, तो ये सेकेंड जो है ना वो वीडियो है। तो फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं, इसकी डिटेल भी मैंने आपके साथ डिस्कस की, कॉनिक सेक्शंस क्या होता है, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर सर्कल की डेफिनेशन, वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अभी जी इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी, दो पॉइंट्स में से वो सर्कल जो है वो पास कर रहा है, एंड हैविंग सेंटर एट 4x-3y-3 इज इक्वल टू 0, और उसका जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि ये जो लाइन है वो उस सर्कल के सेंटर में से पास कर रही है, ऐसे भी इसको समझा जा सकता है। तो आए एक छोटी सी डायाग्राम बना लेते हैं ताकि हमें आसानी हो, और आप भी बना लिया करें, यानी कि क्वेश्चन की छोटी सी डायग्राम बना लिया करें तो उसको समझने में आसानी होती है। अब देखें, इस तरह से एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, सेंटर में से जो लाइन पास कर रही है वो है 4x-3y-3 इज इक्वल टू 0। इसका जो सेंटर है वो मैं लेट कर लेता हूँ कि h और k है, ओके। और यहाँ पर एक पॉइंट है ए और ये बी है, ओके, जो कि गिवन है। अब ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3-1, और जो बी की वैल्यू है वो है जी 0-1, ओके। अब आप ज़रा गौर करें, ए को जब मैं सी के साथ मिलाऊंगा तो ये रेडियस है ना, और बी को जब सी के साथ मिलाऊंगा तो ये भी रेडियस है, समझ रहे बात। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी की लेंथ होगी, दोनों रेडियस हैं। मैंने बी ए और बी इधर ले लिया पॉइंट्स, अब बी को आप इधर लिख लें, इधर लिख लें, ए को इधर लिख लें, जहां मर्जी लिख लें, सर्कल बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स में से पास कर रहा है, गुजर रहा है, और ये जो लाइन है वो सर्कल के सेंटर में से गुजर रही है, ओके। तो सेंटर जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, ये जो है ना, पहले मैं आपको ए सी इज इक्वल टू बी सी से इक्वेशन फाइंड करते हैं, फिर सेंटर जो है वो इस इक्वेशन के ऊपर लाई करेगा, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, उन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, हमें सेंटर और रेडियस जब मिल जाएगा तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो अप्लाई कर लेंगे, उसमें एच और के और आर की जो वैल्यू है वो पुट कर लेंगे, तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी, ठीक है जी। तो आए जी अब मज़ीद आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये जो चारों पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं बेसिकली, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी इसी पैटर्न का ही क्वेश्चन है। तो ये 5 जो पार्ट्स हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जी, अब देखें, सर्कल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि गिवन दैट द सर्कल पासिस थ्रू ए पॉइंट 3-1 एंड बी पॉइंट है 0-1, सो ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी का डिस्टेंस होगा, ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी का डिस्टेंस होगा। ये आपने चैप्टर 4 में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान, जैसे मैं पी क्यू लिखता हूँ दो पॉइंट्स के दरमियान, तो ये आ जाता है x2-x1 का स्केयर, y2-y1 का स्केयर और होल स्क्वेयर रूट। अगर मैं यहाँ पर स्क्वेयर लगा दूँगा तो इधर वाला जो स्क्वेयर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा, x2-x1 का स्केयर और y2-y1 का स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट ख़त्म हो जाएगा। आप इसको x1-x2 का स्क्वेयर प्लस y1-y2 का स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैं बेटी जो है ना बेटा बेसिकली यहाँ पर स्क्वेयर लगाना चाह रहा हूँ ताकि हमें स्क्वेयर रूट जो है वो ना लिखना पड़े, ओके जी, ये लॉजिक समझ आ रही है आपको। अब ए सी पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो ये आ जाएगा आपके पास h-3
का स्क्वायर प्लस के माइनस इंटू माइनस वन, तो ये क्या बनेगा, के प्लस वन बन जाएगा का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर आ जाएगा एच माइनस ज़ीरो, एच माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के माइनस वन, के माइनस वन का स्क्वायर। इसको बेटा अब हमने सॉल्व करना है और इक्वेशन बनानी है, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस सिक्स एच प्लस नाइन प्लस के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एच स्क्वायर बेटा प्लस के स्क्वायर माइनस टू के और प्लस वन, यानी कि इनके हमने स्क्वायर जो है वो एक्सपेंड कर लिए, ओपन कर लिए। अब ज़रा गौर करें, जब मैं इस एच स्क्वायर को इधर लेकर आऊँगा तो ये माइनस होगा, तो यहीं पे इसको कैंसिल कर लेते हैं हम, एच स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, के स्केयर और प्लस केयर स्केयर, के स्केयर जब इधर आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल कर लेते हैं। ओके, साथ साथ रहने आप लोगों ने। अच्छा जी, अब देखें ये यहाँ से क्या बचा, ये बच गया जी माइनस सिक्स एच प्लस टू के और नाइन प्लस वन जो है वो टेन है, इज इक्वल टू माइनस टू के प्लस वन, तो माइनस टू के प्लस वन को भी मैं इधर ले आता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस टू के माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, यह आ जाएगा बेटा माइनस सिक्स एच प्लस फोर के और प्लस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो। मज़ीद जो है हम इसको अभी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और इसको आप इक्वेशन जो है वो कह दें, वो वन इक्वेशन कह दें। अगर कोई कॉमन आ रहा होता तो हम कॉमन ले लेते, सही है ना, कोई कॉमन लेके हम उसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते, लेकिन ये सिंप्लीफाई और नहीं हो रही इक्वेशन, तो यहाँ तक आप देख लें। हमने ए सी इज़ इक्वल टू बी सी किया, ओके, और उससे एक इक्वेशन हमारी बन गई। अब यहाँ पे आप लिखें कि सिंस सेंटर एच के लाइज ऑन इक्वेशन फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, जब सेंटर एच और के इस पर लाई कर रहा है तो एक्स की जगह पे हम एच लिख देंगे और वाई की जगह पे हम के लिख देंगे, तो इस तरह से ये इक्वेशन नहीं बन जाएगी, फोर एच माइनस थ्री के माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो बिल्कुल बन जाएगी। इसको आप इक्वेशन जो है वो टू कह दें बेटा। अब आपने इक्वेशन वन और टू में से एच और के जो है वो सॉल्व करना है, एच और के की वैल्यूज़ हमने निकाल लिया, अब इनके कोफिशेंट सेम कर लेते हैं सिमल्टेनियसली, जैसे अब मैट्रिक में करते आए हैं कि इनका एच का कोफिशेंट माइनस सिक्स है और यहाँ पर फोर है, तो मैं इसको 24 24 बना लूँ, या यहाँ पे के की कोफिशेंट फोर है और यहाँ पर माइनस थ्री है तो मैं इसको जो है वो 12 12 बना लूँ, तो एक ही बात है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं फोर इंटू इक्वेशन वन कर रहा हूँ और प्लस सिक्स इंटू इक्वेशन टू कर रहा हूँ, यानी कि इक्वेशन वन को जो है वो मैं फोर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इक्वेशन टू को मैं सिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और फिर इन दोनों को मैंने ऐड करना है। देखिए बेटा, इसको इक्वेशन वन को फोर से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बनेगा, माइनस 24h प्लस 16k प्लस 4 9 36 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इक्वेशन टू को जो है वो आप सिक्स से मल्टीप्लाई करें, 6 4 24h और 6 3 18 माइनस 18k और फिर 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 18 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जब बेटा ऐड करते हैं तो साइन चेंज हम नहीं करते, तो क्या बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा जी। अब ये क्या बनेगा, माइनस 18k में से 16 गए तो माइनस 2k और 36 में से 18 गए तो प्लस 18 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से k की वैल्यू क्या मिलेगी, 18 इज इक्वल टू 2k और k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9 बेटा। ओके जी, अब k की वैल्यू आप इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दें, इन दोनों में से किसी आप एक इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें h मिल जाएगा, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, या चलें ऐसे, तो पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2 कर लें, पुट वैल्यू ऑफ के
इन इक्वेशन 2 बेटा, ये आ जाएगा 4h माइनस 3, k की जगह पे लिखे 9 और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 4h माइनस 27 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 4h इज इक्वल टू 30, तो h की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 30/4 और ये आ जाएगा 15/2। ओके जी, h की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 15/2 बेटा मिल गई, सेंटर मिल गया हमें, सेंटर जो है वो आ गया 15/2 और k की वैल्यू है 9। ठीक है जी, अब हमें क्या चाहिए, हमें अब हम फाइंड करना है रेडियस, तो फिर ही स्टैंडर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे ना आप। ओके जी, तो सेंटर के लिए क्या करेंगे, AC फाइंड कर लें या BC फाइंड कर लें, तो मैं जी AC फाइंड कर लेता हूँ। तो R इज इक्वल टू AC मोड, ठीक है जी, तो AC पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, ये 3-1 है, मैं एक दफ़ा एहतियातन यहाँ पर A जो है वो साथ लिख लेता हूँ ताकि हमें मिस्टेक ना हो। AC पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं बेटा, ये आ जाएगा 15/2 माइनस 3 का होल स्क्वेयर प्लस 9 माइनस इंटू माइनस 1 होता है ना, 9+1 का होल स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। इसको बेटा सॉल्व करें, एलसीएम लिया, 15-6/2 का स्क्वेयर प्लस 100 और स्क्वेयर रूट, 15-6 9, 9/2 का स्क्वेयर ये आ जाएगा 81/4 प्लस 100, इसको सिंप्लीफाई करें तो 481/4 और होल स्क्वेयर रूट आता है और ये हमारा रेडियस आ गया है। सेंटर भी फाइंड कर लिया, रेडियस भी फाइंड कर लिया, अब पीछे जो है वो सिर्फ आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये पुट करनी है वैल्यूज़, तो कर लेते हैं जी। ये स्टेटमेंट जो है वो मैं रेज करने लगा हूँ, तो बल्कि मैं अगर कहते हैं तो मैं उधर लिख देता हूँ, चलें यहीं पे लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, और ये भी सारा मैं रेज कर देता हूँ, देखिए बेटा अब लिखें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर, सेंटर जो है वो है 15/2 और 9 एंड रेडियस, रेडियस जो है जी वो है 481/4 होल स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वेयर वाई माइनस के का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इसमें वैल्यूज पुट कर दें बेटा, ये आ जाएगा एक्स माइनस 15/2 का स्क्वेयर वाई माइनस के की वैल्यू 9, वाई माइनस 9 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 481/4 का होल स्क्वेयर। ठीक है ना जी, अब यहाँ तक भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप इसको एक्स माइनस 15/2 का स्क्वेयर और y माइनस 9 का स्क्वेयर ये कैंसिल हो जाएगा तो 481/4 आ जाएगा। यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक कंप्लीट हो गया है, ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन बुक वाले ने ये किया हुआ है कि इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई किया हुआ है, उसने जो आंसर हैं वो दो लिखे हुए हैं, ये भी लिखा हुआ है, इसका स्क्वेयर ओपन करके भी लिखा हुआ है, तो मैं स्क्वेयर ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख देता हूँ जो आपका दिल करे। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, इसको देखिए इसका स्क्वेयर ओपन करें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 15/2 प्लस 15/2 का स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर ओपन करें बेटा वाई स्क्वेयर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 481/4। ठीक है जी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 15x प्लस 225/4
प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 18y प्लस 81 इज इक्वल टू 481/4 आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस 15x, बल्कि ऐसे लिखें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 15x माइनस 18y प्लस 225/4 प्लस 81, और इसको उठा के जो है वो आप इधर ले आएँ तो ये माइनस हो जाएगा। अब बेटा पहले 4 से जो है ना सबको मल्टीप्लाई कर लें ताकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म हो जाए। तो ये बन जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर, 15 4 60x, और 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 72y प्लस 225। 81 से 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 1 4 4 8 32 माइनस 481 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर माइनस 60x माइनस 72y। इन दोनों को आप ऐड करें और ये बन जाएगा आपके पास 225 प्लस 324 945, और इसमें से 481 जो है वो माइनस कर दें तो 14 में से 8 गए तो 668, तो ये बन जाएगा बेटा प्लस 68 इज इक्वल टू 0। तो ये भी इसका आंसर है। ये दो तीन स्टेप अगर एक्स्ट्रा करना चाहें ये कर लें, और अक्सर बच्चे यही करते हैं कि सर जी यहाँ तक ही ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन है बस यहाँ तक ही ठीक है जी ये वाला, तो ये अगर करना चाहें तो, क्योंकि बुक पे दोनों आंसर्स हैं तो इसलिए मैंने ये भी करवा दिया। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें जी, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी जो है वो पूछें, और फर्दर जो है फिर आगे अगले क्वेश्चंस पे मैं जाऊंगा। और अपना बहुत ख्याल रखें जी, और अच्छी भी लगे वीडियो तो उस पर कमेंट भी किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।